अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आ रहा है उसे भी क्लिक करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो वीडियो हम अपलोड करें। कही है
वो किसकी? विशेष व्यक्ति के लिए नहीं कही, महाराज जी की वाणी सार्वजनिक है। जैसे हमने कहा है, ब्राह्मण पे सूर्य अति दोन चंडाल मनस मन सोई अनुरोध पूर्ण भगवंत हो सकते आप पर सारे कुल को कुल यानी अच्छा न बुरा दोनों को करने वाली बात कहीं मना की, किसी एक को करने वाली बात नहीं की। यानी जो उसको तथा परमात्मा से प्रेम करेगा वो उससे प्रेम करेगा, वो भी हो सकता है। तो ये तो हमारी बात है, हमें किसको मानना है? ये तो कह रहे हैं कि नहीं इसको मानो, ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष भगवान है। तो किसी के मानने में चले जाओ वहां घाटा खा दो, गलती किसको? गलती हम खुद करते हैं, हम दूसरे को भूल जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी वस्तु जो गुरु रविदास महाराज जी ने प्रकट करी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्पष्ट करी, हम सब लोगों को विक्रम करी हो, हम लेने नहीं जा रहे, हम उसको लेते ही नहीं। तो महाराज जी ने कह दिया, पढ़िए बुनिए नाम सब सुनिए अनुभव भाव से करते लोग होता चल रहे लोग कहते जो उपासना कर। इस संसार में शिक्षा ही है, सबसे बड़ी शिक्षा है। देखिए शिक्षा हम लेंगे नहीं तो हम कौन देने आए? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ा के उनको पढ़ने नहीं जाने देते थे, बैठने नहीं देते थे, हमें मैंने कहना देखो जब हमको जाना है कहते हैं महाराज जी, हमारे स्वामी जी कहते थे जो तू हो जाना तक महाराज जी आशीर्वाद घट, आशीर्वाद की थोड़ी जाती, आशीर्वाद की जाती जब सामने वाले के कर्म आशीर्वाद के हो जाते हैं तो महाराज जी पीछे हाथ रुकाए रहे और आशीर्वाद देते हैं। जब सामने वाले के कर्म नहीं है आशीर्वाद के तो महाराज जी कितने धोखा दे में कच्ची हो रहा है। तो महाराज जी ने कहा उस शिक्षा को आप लेंगे नहीं, शिक्षा ले भी दी, शिक्षा ले भी दी। जैसे आज वर्तमान में देखिए कितनी डिग्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की है, कितनी और अन्य लोगों ने भी की होगी, ऐसा नहीं कर रही थी, पर उस शिक्षा का वो उपयोग नहीं कर रही। जो डिग्री उनके बराबर प्राप्त की है पर वो जो शिक्षा उन्होंने ली है उसका उपयोग नहीं किया, उपयोग नहीं कर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने तो शिक्षा लेकर उसका उपयोग किया, उपयोग किया है तो उसका फल मिला। उपयोग कोई करता है अपन अपने स्वार्थ के लिए या उसके स्वार्थ के लिए, संपत्ति के स्वार्थ के लिए, अपने शरीर के स्वार्थ के लिए, ये सारी डिग्री प्राप्त करके अपने शरीर के स्वार्थ के लिए अजमा रहे हैं तो कहां प्राप्त होगी? नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने अपने लिए प्राप्त नहीं, अपने लिए उपयोग नहीं किया, अपने परिवार के लिए उपयोग नहीं किया, उन्होंने केवल समाज के लिए उपयोग किया, इसलिए उसका नाम हुआ। जब तक हम शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे, ग्रहण करने के बाद उसका उपयोग नहीं करेंगे, तब तक इतना ही असर देते रहें, चाहे सिटी में देते रहें, चाहे देहात में देते रहें, चाहे कहीं देते रहो, कुछ होने वाला नहीं। हम करें तो क्या करें, पर पीछे भी नहीं आना। ये भी बात है कि हम सोचने कह रहे हमारे बताने से कोई लाइन पे नहीं आ रहा है तो बता बता के क्या करें, तो अब हम मुंह नहीं चलाएंगे, नहीं ये भी नहीं करना है, हमको बैठना भी नहीं है। ऐसे यदि बैठ जाते तो गुरु रविदास महाराज जी, गुरु रविदास महाराज जी के और पहले और बाद में कितने लोग नहीं हो गए, इतने इतने महान महापुरुष हो गए, गुरु रविदास महाराज जी हुए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए, साहेब कांशीराम बापू हुए, एक से एक जो माने हुए महापुरुष हैं। तो वो ये थोड़ी सोच रहा है, ये थोड़ी कह कहेगा कि भैया मैं समझा समझा के मर गया, ये समाज समझ नहीं रही है, अब तो
सामना छोड़ दो, ये कह के थोड़ी दो। और ये भी नहीं है कि सुधर नहीं रही है, सुधर रही है, सुधर नहीं रही होती तो नहीं आएगी, सुधर रही है। शत्रु जब सुधर रही है पर जितनी गति से हमको चलना चाहिए उतनी गति से हम चल नहीं रहे। नाम में तो हम कहते हैं हम 30 करोड़ करता हूं, 5 करोड़ काम में 5 करोड़ नहीं है, नाम में 30 करोड़। और यदि हम शिक्षा में 20 करोड़ आ जाए तो देखो हम शिक्षा के भाव में हम पीछे देहात के क्या कर नहीं सकते। अरे जंगल के लोग कलेक्टर बने के झूठे, जंगल में पढ़ते हुए पढ़ने वाले लोग कलेक्टर बने हुए हैं, और दिल्ली में पढ़ने वाले लोगों को भी मजदूरी नहीं मिल रही। कोई ऐसा है कि जो दिल्ली में भी पढ़े वे सही होने को मजदूरी नहीं मिल रही? जिनके कर्म खराब है न चाहे दिल्ली में बने रहे हो चाहे देहात में बने रहे हो। और इतना है कि देहात में कोई एक न कर सकता है और दिल्ली में कोई एक है। तो गुरु रविदास महाराज जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, सभी महान महापुरुष वाणिया जो कह रहे हैं सबको संबोधित कर रहे हैं। शिक्षा, शिक्षा से पीछे मत रहो। यदि शिक्षा ग्रहण करोगे जंगल में पेड़ काटने भी जाओगे पर उसको तरीके से काटोगे, भीख मंगाने जाओगे पर तरीका से मांगोगे, कोई सा भी काम करोगे मेहनत का काम करोगे, खेती का काम करोगे तो तरीका से करोगे, क्योंकि पढ़े लिखो तो बुद्धि से करोगे। तो शिक्षा सबसे पहले है और सब जगह है, शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है। तो सभी महान महापुरुषों से, सभी माता बहनों से यही संबोध कहना है कि अपने बच्चों को पेट काट के और बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें, अच्छी शिक्षा दिलवाएं, तो हम और हमारी कौम का, समाज का उद्धार होगा। तो जब तक हम शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, ना अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराएंगे, तब तक असंभव है। तो सतगुरु जगत गुरु रविदास महाराज जी से आज बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरु जगत गुरु रविदास महाराज जी की 641वीं जयंती पर्व समारोह और बानवी मूर्ति स्थापना ग्राम रैमा में जो संत अर्जन दास जी स्वामी काशीदास महाराज जी की प्रेरणा से और ये कार्य का पेड़ लग गया, जो महान कृपा हुई उनके जो उन्होंने मेहनत की है वो मेहनत साकार हो गई। दिल्ली से, पंजाब से, मध्य प्रदेश से, सभी जगह से लोग आ रहे हैं और जब तक है ना होने पर भी ये कार्य अमर रहेगा। शत्रु जी की चरणों में वंदन अभिनंदन करते हैं कि शत्रु ये पेड़ जो लग गया है हल्का फूलता रहे और सदा सुख दया आनंद की छाया देता रहे। सभी ग्रामवासियों को, सभी आने जाने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। शत्रु जगत गुरु के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए शत्रु सब पे दया करना और सबको सदबुद्धि देना और यहाँ आने की सब पे प्रेरणा देना। जगत गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयकारा के साथ बोले सो निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज की जय। भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर की जय। स्वामी काशीदास महाराज की जय। संत रामानंद जी महाराज की जय। संत समाज की अपने अपने
बात बताती है। कहना है कि अपने बच्चों को पेट काट के तो बच्चों को पढ़ाए, अच्छी शिक्षा दें, अच्छी शिक्षा दिलवाएं, तो हम और तो हमारी कौम का, समाज का उद्धार होगा। तो जब तक हम शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, ना अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराएंगे, तब तक असंभव है। तो सतगुरु जगत गुरु दास महाराज जी से आज बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरु जगत गुरु दास महाराज जी की 641वीं जयंती पर्व समारोह और बानवी मूर्ति स्थापना ग्राम रैमा में जो संत अर्जन दास जी स्वामी काशीदास महाराज जी की प्रेरणा से और एक कार्य का पेड़ लग गया, जो महान कृपा हुई उनके जो उन्हें मेहनत की है वो मेहनत साकार हो गई। दिल्ली से, पंजाब से, मध्य प्रदेश से, सभी जगह से लोग आ रहे हैं और जब तक हैं ना होने पर भी ये कार्य अमर रहेगा। शत्रु जी की चरणों में बंदर अभिनंदन करते हैं कि शत्रु ये पेड़ जो लग गया है हत्ता फूलता रहे और सदा सुख दया आनंद की छाया देता रहे। सभी ग्रामवासियों को, सभी आने जाने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। शत्रु जगत गुरु के चरणों में बंदन अभिनंदन करते हुए शत्रु सब पे दया करना और सबको सदबुद्धि देना और यहाँ आने की सबको प्रेरणा देना। जगत गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयकारा के साथ बोले सो निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज की जय। भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर की जय। स्वामी काशीदास महाराज की जय। संत रामानंद जी महाराज की और संत समाज की अपने अपने माता पिता की गए। सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए मंच पर आज के सभी संतों चरण वंदना जी और सभी श्रद्धालुओं को जय गुरु देव। सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी वक्ता आए और सबने अपनी अपनी बात रखी, बहुत ही काफी कुछ बोला जा चुका है और बोलने के लिए कुछ खास ऐसा बचा नहीं है। दरभंगा जी ने बहुत ही संक्षिप्त और सुंदर शब्दों में कहा कि उजड़ जाओ और बसे रहो। उसी नीति को देखते हुए मांगेलाल जी तो उजड़ गए, 5 स्टेटों में उजड़े हुए हैं और 2 स्टेटों में तो उन्होंने यूनिवर्सिटी बना भी ली है इस ज्ञान के परचम को फैलाने के लिए और घर घर तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए। सज्जनों, आज जरूरत इस बात की है कि शिक्षा को जो माध्यम बाबा साहब ने बनाया था, जो माध्यम आज से 640 वर्ष पहले गुरु रविदास जी ने बनाया था, वही माध्यम हमें अपनाना होगा, वरना इस समाज की हालत बद से बदतर होने जा रही है। जैसा कि आजकल के हालात चल रहे हैं, हमने हालातों से सबक नहीं लिया। एक छोटी सी कहानी या हमें आधा सत्य बताया गया, आधी कहानियां बताई गई और हम उन पर विश्वास करते रहे। हमें बताया गया कि एक टोपी बेचने वाला था, टोपी बेचकर गुजारा करता था। जनरली हमारे लोग टोपी या दूसरी चीजें बेचकर गुजारा करते थे और हम कोशिश करते थे कि अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चले। कहानी कुछ इस तरह बताएगी कि टोपी वाला गया, सबको ये कहानी याद होगी कि वो गया और एक उसको
धूप लगी और पेड़ के नीचे सो गया। उसकी टोकरी खोली और कुछ बंदर आए और वो टोपियां लेकर, एक एक बंदर टोपियां पहनकर ऊपर चढ़ गए। वैसे भी बंदर टोपी पहनकर बहुत इतराते हैं, आजकल के बंदर नई नई टोपियां पहन के बहुत ही खुश होते हैं। तो जब वो टोपी बेचने वाला उठा तो उसने देखा सभी बंदर टोपियां लगाकर इतरा रहे हैं और सारी टोपियां मेरी पहन ली हैं। तो उसने अपनी जो टोपी पहनी थी नीचे उतारी और थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके सो गया। वो कहानी यूं थी कि सभी बंदरों ने उसकी नकल की और अपनी अपनी टोपियां उतार के नीचे फेंक दी। अब 20 साल बाद फिर उसका बेटा टोपी बेचने का काम जैसा कि बाप करता था वैसे ही उसने टोपी बेचने का काम शुरू किया। वो फिर उसी गांव में गया और फिर उसी पेड़ के नीचे वह टोपी बेचने का काम उसने करता था तो उसी पेड़ के नीचे पहुंचा। अब उसने सोचा कि भी जैसे मेरे फादर को टोपी बेचते थे वैसे ही उसे पेड़ के नीचे रुका और अपनी टोपियां की टोकरी नीचे रखी और आराम करने के लिए सो गया। सारे बंदर एक एक करके आए, सभी टोपियां अपने अपने सर पर पहन ली और वैसे ही इतराने लगे जैसे आज इस नई सरकार में कुछ नए लोग जो टोपियां पहन के इतरा रहे हैं। तो नई नई टोपियां थी, नए नए बंदर थे, दूसरे बंदर सीख चुके थे, लेकिन हमने उन इस 20 साल में इस 50 साल में कोई सबक नहीं लिया, लेकिन उन बंदरों ने हमारी तरक्की से बहुत सबक ले लिया। उस लड़के ने भी वही कहानी दोहराई, वो सो गया और उसने सोचा कि सारे बंदर एक एक करके मैं अपनी टोपी उतार दूंगा, एक एक बंदर अपनी टोपी फेंक देंगे। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि जो टोपी उसने उतारी थी एक बंदर उस टोपी को लेके भी पेड़ पे चढ़ गया। वो बंदर भी 50 साल में सीख चुका था लेकिन 50 साल में हम उतने नहीं सीख पाए जितना वो बंदर सीख गया। हम पुरानी बात को दोहराते रहे। जो टोपी हमें हमारे सर पे हमारे ड्राइवर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पहनाई थी वो टोपी हम आज इन नए नवेले बंदरों के हाथ में सौंपने जा रहे हैं। बंदरों ने सबक लिया लेकिन हमने नहीं लिया। हमारी उन्नति से, हमारी तरक्की से जो संगठन हमें बाबा साहब ने दिया, जो शिक्षा हमें बाबा साहब ने दी, जो समाज में सम्मान हमें गुरु रविदास महाराज ने दिया, उसको देखकर ये जो नए बंदर हैं इनको जलन हुई और आज फिर इन्होंने वही राग राग नशन कर दिया। जिन मंदिरों को हम छोड़कर आ गए थे, जिन मंदिरों की जगह हमने अपने नए मंदिर बना लिए, जिन देवताओं की जगह हमने अपने नए देवता नए महात्मा चुन लिए और हम उनकी आराधना करने लगे, उनके बताए रास्तों पर चलने लगे, तो इनको ये बात नागवार गुजरी और इन्होंने आज फिर वही राग अलाप रहे हैं कि भाई रामराज, वही रामराज जिस रामराज में मानवों को दासता की तरह खरीदा और बेचा जाता था। और वो कौन लोग थे? दूसरे उच्च जाति के लोगों को तो बेचार खरीदा नहीं जाएगा, वो हमारे ही लोग थे। आपको पता होगा कि जब शिक्षा का अधिकार या हमें सत्संग सुनने का अधिकार नहीं था, हमारे कानों में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था। एकलव्य की घटना आप सबको पता है कि एकलव्य ने जब धनुर्विद्या सीखनी चाहिए तो जो द्रोण थे, बहुत सारे द्रोण आज भी बैठे हैं, वो द्रोण थे और उन्होंने शिक्षा जब देने से उसको इनकार कर दिया और उसकी अपनी धुन इतनी थी कि जब उसने शिक्षा उसके नाम पे इतना तेज धनुर्धारी बना के अर्जुन को भी मात करने लगा तो उसके साथ एक जाल बिछाया गया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उससे शिक्षा के नाम पर अंगूठा मांग लिया गया, जो शिक्षा दी नहीं गई उसकी दीक्षा के नाम पे उसे अंगूठा मांग लिया गया। तो आज भी हमसे हमारे साथ यही हो रहा है। आज ना तो हमें वो टोपी वाला बनना है ना हमें वो एकलव्य बनना है। एक छोटा सा उदाहरण अभी आपने सबने देखा होगा हमारी संगठन का और हमारे जो 2 अप्रैल को जो उसके माध्यम से जो केवल व्हाट्सएप के माध्यम से जो समाज चेता और जो एक क्षणभंगुर जो चेतना हमारे बीच में आई,
केवल व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से हमने दो अप्रैल को जो एकता दिखाई, उस दो अप्रैल को सरकार की जो चूल्हे हिली हैं, आप सब जानते हैं कि अगर ये संगठन, अगर वो हमारा आंदोलन संगठित होता या व्यवस्थित होता या राजनीति से प्रेरित होता तो सरकार कहां चली जाती। केवल उसके माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जो हम इतना जागरूक हो सकते हैं, और एक दिन में हमारे साथ वही दमनकारी नीति, वाहन जलाए गए खुद के द्वारा और दिखाए गए हमारे द्वारा, और पूरी तरह से इसको हमको बदनाम करने की कोशिश की। मैं सिर्फ ज्यादा बात ना कहते हुए ये कहना चाहता हूं कि जब हम असंगठित होकर भी और केवल व्हाट्सएप के माध्यम से एक जन चेतना हमारे अंदर थोड़ी देर के लिए आई थी, तब हम सरकार को हिला सकते हैं, तो हम एकत्रित होकर हम क्या नहीं कर सकते। जागृति लोगों में आ चुकी है, लोग इस बात को समझ चुके हैं कि हमारे साथ कैसा भेदभाव किया जा रहा है और हमें किस गर्त में भेजा जा रहा है। वह दिन दूर नहीं है अगर ऐसा ही रहा। सबको पता है कि अभी ये राष्ट्रपति जी का उदाहरण दिया, ये वही राष्ट्रपति जी हैं जिन्होंने साइन करके पिछली सरकार में संविधान की समीक्षा के लिए वाजपेयी जी को सिग्नेचर सौंपे थे। तो वह दिन दूर नहीं जब अगर हम चेत जाएंगे, अब हमें चेतना होगा, तो सभी से यही निवेदन है कि बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षित बनाएं और संगठित होकर इस अपने आज वजूद की लड़ाई को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के बाद मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि मेरा संबंध उस ऐसे स्थान से है जहां पर गुरु रविदास महाराज के चरण पड़े थे। मैं तुगलकाबाद चमार वाला जोड़ की धरती से संबंध रखता हूं, ये मेरे लिए फख्र की बात है। मेरे प्रधान जी श्री ऋषिपाल जी भी यहां बैठे हैं, दरभंगा जी और सभी दिल्ली की संगत ने इस मंदिर के नाम को चमार वाला जोड़ के नाम को पूरी आज न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में इसकी वो एक नई पहचान दी है। मैं सभी संगत का, दिल्ली से आई हुई सभी संगत का और सभी साधु संतों का जिन्होंने उस पवित्र ऐतिहासिक स्थल की महत्वता को स्वीकार करते हुए इसकी एक नई पहचान पूरे विश्व में बनाई है। धन्यवाद। जय दिया गुरु रविदास जी, आजा जा जा माही।